हमारा देश एक ग्रामीण प्रधान देश रहा है। हर एक गांव के साथ नदी या सरोवरों का जाल रहता था। हजारों सालों से पूजा पाठ हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। मगर पहले पूजा पाठ के बाद उपयोग होने वाली सामग्री हमारे लिए कभी समस्या नहीं थी। परंपरा के अनुसार हम वो पूजा पाठ के बाद की सामग्रियां उस नदी, सरोवर, समुद्र में विसर्जित करते थे। पूजा पाठ आज भी हो रहा है, पर जमा होने वाली पूजा सामग्री का सही व्यवस्थापन ना होने के कारण ये एक समस्या बन गई है। आज शहरीकरण, बढ़ती हुई आबादी और फ्लैट संस्कृति के कारण ये असंभव है। आम तौर से घर के कूड़े के साथ पूजा की सामग्री रखी जाती है या कचरे वाला उसे ले जाता है और अन्य कचरों के साथ सरकारी डंपिंग यार्ड में फेंक देता है। क्या ये अच्छी स्थिति है? आज नदी और तालाबों का पानी भी दूषित हो चुका है और कई पूजा सामग्रियों में रासायनिक तत्व भी है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो पूजा पाठ के फल कम और दोष ज्यादा लगेंगे। इसीलिए सर्व मंगल फाउंडेशन आपके पर्यावरण और धर्म संस्कृति के सेवा हेतु आपके घर अर्पण किए जाने वाली पूजा पाठ की सामग्री, साहित्य जैसी चीजों से जैविक खाद बनाते हैं। इस जैविक खाद से आपको ऑर्गेनिक सब्जियां, फल इत्यादि मिलेंगे और हाँ, इससे जल प्रदूषण घटेगा। पूजा का पवित्र सामान गंदगी नहीं बनेगा। किसी ने सही कहा है, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। धर्म, संस्कृति, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ भारत की मुहिम को हम सार्थक बना सकते हैं। आप घर के पूजा पाठ सामग्री को फेंके मत, उसे हमें सौंप दें। इस पवित्र हेतु खातिर हमें आपके अनमोल साथ की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए हमारा ऐप सर्व मंगल आज ही डाउनलोड कीजिए और विशेष जानकारी के लिए हमें अभी दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 8010010033